हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हेल्प में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी एलईडी टीवी का साउंड कैसे रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर एलईडी टीवी या फिर एलसीडी टीवी है और उसके अंदर जो स्पीकर लगे हुए आते ही हैं उसका अगर साउंड खराब हो चुका है, यानी कि आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है या फिर आउटपुट कम आ रहा है या फिर स्पीकर खराब हो चुके हैं, तो उसे आप कैसे रिपेयर करवा सकते हैं, यानी कि आप कितने में रिपेयर करवा सकते हैं, मार्केट में वो स्पीकर आपको कितने प्राइस तक मिल जाएंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि स्पीकर के ऊपर कहाँ पर वॉट लिखे हुए होते हैं, यानी कि किस एलईडी में कितने वॉट के स्पीकर लगते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब कर दें और पास में दे रखी नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो स्पीकर है, छोटे छोटे ये 5-5 वॉट के स्पीकर है जो कि एलईडी के बॉटम में लगते हैं नीचे की तरफ। इसी के कारण एलईडी से आउटपुट साउंड बाहर आता है और आपको सुनाई देता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर कहां पर लिखा हुआ है कि ये कितने वॉट के स्पीकर हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पीछे की तरफ लिखा हुआ है, यहां पर 5 वॉट का ये स्पीकर है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा, यानी कि अगर आप स्पीकर परचेज करने जाएंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि कितने वॉट के स्पीकर हैं, उसका बॉक्स है या फिर उसके ऊपर प्रिंट होगी। और पर्टिकुलर ज़्यादातर देखें तो सभी एलईडी के अंदर 10-10 वॉट के स्पीकर लगते हैं, यानी कि टोटल 20 वॉट का आउटपुट होता है साउंड का, उसमें 10-10 वॉट के लगते हैं। ये छोटे स्पीकर है यानी कि छोटी एलईडी होगी, जो 24 इंच की या 22 इंच की एलईडी आती है उसके अंदर ये छोटे स्पीकर लगे हुए आते हैं, कि उनके अंदर स्पेस थोड़ा कम होता है तो स्पीकर की क्वालिटी और उसकी साइज़ थोड़ी छोटी डाल देते हैं। वैसे 24 इंच के अंदर इतना कोई ज़्यादा फर्क मायने रखता नहीं है कि बड़े स्पीकर डालने की कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि छोटे स्पीकर भी काम कर लेते हैं। और इसके पीछे एक खास कोटिंग की गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चुंबक है, दोनों मैग्नेट है, वो आपस में चिपकेंगे नहीं। इसी का कारण है कि एलईडी के अंदर इसी टाइप के स्पीकर आते हैं जिसके कारण डिस्प्ले का रेजोल्यूशन खराब नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी हम मैग्नेट को डिस्प्ले के पास लेके जाते हैं तो वहाँ पर कलर हल्का सा फेड हो जाता है, यानी कि मैग्नेट हल्का सा कलर खींचता है, उसका रेजोल्यूशन खराब करता है। उसी को देखते हुए हर ब्रांड हर कंपनी एलईडी के अंदर जो स्पीकर लगाते हैं उसके पीछे जो मैग्नेट होता है उसके ऊपर हल्की सी कोटिंग कर देता है, उसके कारण से आपकी एलईडी का जो रेजोल्यूशन होता है, जो डिस्प्ले के अंदर जो कलर होता है वो ख़राब नहीं होता है। और इसे आप परचेज कर सकते हैं मात्र 200 रुपये में। अगर आप बेटर क्वालिटी लेंगे, अच्छी क्वालिटी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 300, 350, 250 रुपये में आपको ये स्पीकर मिल जाएंगे। ऐसे तो आपको 100 रुपये में भी ये स्पीकर मिल जाएंगे, पर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, यानी कि अच्छी क्वालिटी के वो नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में दे रखी नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और हमें सपोर्ट करते रहें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।